वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं सिर्फ अभिषेक बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे सामने खड़ी है डोमिनार 400, लेटेस्ट लॉन्च है 2023 के अंदर, और कलर्स आप देख सकते हैं इसके अंदर डार्क नाइट कलर है ये, ओके, ग्रेस टच के अंदर। सो वन बाय वन करके आज इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। सो सारी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। सो ऐसी कुछ बाइक दिखने में है। 2023 है, लेटेस्ट लॉन्च है, अभी अब मई के अंदर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ पीएल बजाज के अंदर, ओके। सो वन बाय वन करके सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे। सो बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आगे से आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की यार। सो प्राइस की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबका एक अपना अपना बजट होता है। तो आपको ये 260,000 ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगी डोमिनार 400 इन जयपुर सिटी के अंदर, ओके। पीएल बजाज में वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, और हर स्टेट वेरी करता है, 1,000 to 1,000 रुपीज़ ही वेरी करेंगे हर जगह, ज़्यादा कोई इतना खास डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले बात करते हैं आगे की, बिना किसी देरी करते हैं। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं आगे MRF का आपको ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाता है, 17 इंच अलॉय व्हील विद डायमंड कट, ओके। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो अलॉय व्हील है वो 17 इंच का है, और यहाँ पे आप कट्स देख सकते हैं, इसे डायमंड कट कहते हैं, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लगता है और बाइक के लुक्स को काफ़ी इंप्रूव करता है, ओके। 3.5 mm की आपको डिस्प्ले प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे, ओके। गाड़ी जो है वो ड्यूल चैनल है, ड्यूल चैनल ABS और वाइबर्स के कैलिबर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड्योरेंस के आपको यहाँ पे USD4 सिस्टम देखने के लिए मिल जाएंगे, अप्स एंड डाउन 4 सिस्टम, ओके। और आगे से बात करते हैं तो आपको मैट कलर के अंदर ही मड गार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं लाइट्स की, तो लाइट्स आप देख सकते हैं यार इसके अंदर LED लाइट्स है, हेलोजन लाइट्स इसमें नहीं आती है, इसमें LED लाइट्स ही आती है स्टार्टिंग से ही। और इसकी जो विजिबिलिटी है वो 1.5 से 2 किलोमीटर तक को आप आराम से देख सकते हो, इसकी इतनी अच्छी विजिबिलिटी है। पर्सनली मुझे बजाज की सबसे जो अच्छी विजिबिलिटी वाली बाइक लगती है ना हेडलाइट्स के मामले में, वो यही है। तो इसकी जो विजिबिलिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है यार, और आगे तक आप आराम से देख सकते हैं बिना किसी मतलब, अगर आप ऑन रोड ऑफ रोड भी कर रहे हैं ना तो आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी लगेगी, कुल मिला के मैं ये बात बताऊं। और इसमें देखो मडगार्ड मतलब जो वाइज़र है वो आपको अलग से आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराने के लिए नहीं पड़ेगा, आप इसका आराम से देख सकते हैं कितना विंड ब्लास्ट रोकेगा, क्योंकि इसका जो एकदम शेप है ना वो इसी तरह डिज़ाइन किया है कंपनी ने, जिससे विंड ब्लास्ट जो है काफ़ी अच्छा रोक सके, ओके। आप बात करते हैं यहाँ से, तो इसके अंदर जो पर्सनली बजाज के अंदर जो मिरर्स सबसे बेस्ट मिरर्स जो लगाए होते हैं ना वो इसी के अंदर है डोमिनार के अंदर, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी ना काफ़ी अच्छी है, दूर तक है, लॉन्ग रेंज तक है, और बिल्कुल भी इसमें वाइब्रेशन नहीं है। आप जब गाड़ी राइड करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें वाइब्रेशन या कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी, ओके। बात करते हैं यार आगे से, तो मीटर इसका कुछ ऐसा है जो पहले आता था वही मीटर है, और यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर और न्यूट्रल लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि इसी में अगर सारी स्पेसिफिकेशंस दे देते तो बार बार अपन को नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब जब राइड करते हैं तो आपको बार बार नीचे भी कई बार देखना पड़ता है कि गाड़ी कौन से गियर में है, या XYZ आप फ्यूल मीटर जो भी है यहाँ देखना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये यहीं दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता। E20 इसके ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि इथेनॉल 20 ये रेडी है, मतलब कि जो अभी इथेनॉल 20% मिक्स जो पेट्रोल आएगा उसके लिए ये BS7 रेडी है, लेटेस्ट लॉन्च है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया तो लेटेस्ट लॉन्च में ये वाली चीज़ तो आनी बनती थी। डोमिनार की आपको बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी राइट एंड लेफ्ट साइड में। बात करते हैं फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक आपको 13 लीटर फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, और मतलब ठीक है यार, अच्छा है, क्योंकि आपको बार बार फ्यूल टैंक फुल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉन्ग राइड्स के ऊपर, ओके। और यहाँ पे आपको टैंक पैड देखने के लिए मिल जाता है, वो है इसके अंदर आपको कार्बन फिनिश के अंदर टैंक पैड देखने के लिए मिल जाता है। डोमिनार के स्टिकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया बाइक जो है वेट है काफ़ी मतलब बल्की लगती है देखने में, मस्कुलर लगती है देखने के अंदर। अब बात करते हैं इसके सीट्स की, तो सीट्स आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, कुशनिंग इसकी KTM की जो जितनी भी बाइक से 390 है, और इसके सेगमेंट की जितनी भी 400 cc की सेगमेंट की जितनी भी बाइक्स है ना उसके अंदर सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं आती, बट इसके अंदर काफ़ी अच्छी सीट आती है। ये देखो यहाँ पर भी डोमिनार की आपको बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको 400 की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी राइट एंड लेफ्ट साइड डोमिनार, ओके। यहाँ पर आपको लगेज जो है करियर लगेज वो भी अलग से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आफ्टर मार्केट इन आपको एसेसरीज सारी यहीं से ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो यार ये जो कितनी अच्छी है, मतलब आप कहीं अगर लॉन्ग टूर वगैरह पे जाते हो तो आप अपने बैग्स या लगेज वगैरह यहाँ पे बांध सकते हैं आराम से, ओके। बात करते हैं आगे से, तो आगे से आप देख सकते हैं वाइज़र जो है वो भी आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनबिल्ट ही आता है, ओके। बात करते हैं पीछे की, तो पीछे भी आपको 17 इंच अलॉय व्हील विद ट्यूबलेस टायर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 3.5 mm का आपको डिस्प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी, और वाइबर्स के कैलिबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करते हैं एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट इसका काफ़ी इंप्रेसिव है, एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं डुअल एग्जॉस्ट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, और कम्प्लीटली मतलब इसकी जो आवाज़ है ना यार एग्जॉस्ट की वो काफ़ी बेसी है और बहुत ही शानदार आवाज़ है। पीछे की बात करते हैं तो वही RS और NS में जो LED लाइट्स लगती है वही इसमें है, और ये आपको यहाँ पे देखिए बैकलाइट ऐसी कुछ इसकी देखने के लिए मिल जाएगी। बात करते हैं इंजन की, तो इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, डायरेक्ट अब बजाज की आपको बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी, 337 cc का आपको इंजन देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर, ओके। लिक्विड कूल्ड 4 वाल
ट्रिप लिक्विड कूल्ड फोर वॉल्व स्पार्क FI, ओके, मतलब कि भाई इसके अंदर 373 cc का आपको इंजन देखने के लिए मिल जाएगा, लिक्विड कूल्ड है, सिंगल सिलेंडर, 6-speed गेयरबॉक्स, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिएटर लगा हुआ है। बात करते हैं इंजन की, तो इंजन पे भी आपको यहाँ पे बजाज की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी और वन डाउन, बाकी सारे आप इसके अंदर आपको गियर शिफ्टिंग देखने के लिए मिल जाएगी। बाइक जो है काफ़ी अच्छी है यार, और पूरा एक कंप्लीट रिव्यू मैंने दे दिया इसका। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय।